मुझे तुम्हारे अंत के साथ ये उत्सव भी समाप्त करना पड़ रहा है। अलविदा बालवीर, अलविदा। खुश रहो परियों, खुश रहो। मेरा पहला वार तो खाली चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक और शस्त्र बाकी है बालवीर, और उसके निशाने से तुम नहीं बच पाओगे। पहला वार खाली चला गया, तबा तबा बेकार। ये दोगी आप बेकार लोगों को काम, तो नतीजा तो निकलेगा ही ना बेकार। समय बहुत कम है, छल परी से कहो जल्दी करे, हमारे पास सिर्फ एक ही मौका बचा है, आखिरी मौका, और ये वार खाली नहीं जाना चाहिए। काश छल के साथ साथ होती आपके पास थोड़ी सी अकल भी, इतने पास से भी आप सही निशाना नहीं लगा पाई बालवीर पे, वजह से आप खानी पड़ी मुझे डांट परी भयंकर के। तगड़दुम तगड़दुम तगड़दुम, कहता हूँ मैं छल परी, बालवीर से पहले खत्म कर दो इस तोबा तोबा को। चाहती तो मैं भी यही हूँ गोबा गोबा, लेकिन इस वक्त मेरे लिए बालवीर की धड़कनों के संगीत को बंद करना ज्यादा जरूरी है। भयंकर परी का दिया हुआ दूसरा शस्त्र मेरा आखिरी मौका है बालवीर को समाप्त करने का, और इस बार मैं किसी भी हालात में अपना निशाना चूकना नहीं चाहती। गुड़ुम, गुड़ुम, अब क्या करें हम? हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जो काफी ऊंची हो, जहां से मैं सीधा बालवीर पर निशाना साध सकूं और किसी को पता भी ना चले। चलो। इस अद्भुत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम डुबाडुबा परिवार करना चाहते हैं पेश एक अद्भुत कार्यक्रम बालवीर के लिए, अगर हो आपकी आज्ञा रानी परी। आप तो बालवीर के परम मित्र हैं डुबाडुबा, एक मित्र को दूसरे मित्र के लिए कुछ करने से हम कैसे रोक सकते हैं? शुक्रिया रानी परी। तो डुबाडुबा भाइयों, क्या हो तुम सब तैयार है? तैयार।
हम सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डुबा डुबाओं। आपका नृत्य का अंदाज तो वाकई मनोरंजक था। हाँ मित्रों, आज आपके नृत्य को देखकर मेरे पांव भी आपके साथ थिरकने लगे थे। आज तक आपने हमारी देखभाल में, हमारी सुरक्षा में, हमारी कार्यों में हमारी मदद की है और आज आपका ये मनोरंजक रूप भी हमारे सामने आ गया और हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। कहूंगा मैं तो यही कि देख के तुम्हें आ जाती हमारे चेहरे पे खुशी बालवीर, और हो जब तक तुम हमारे साथ, गायब नहीं होगी ये हमारे चेहरे की खुशी। ये स्थान सही है बालवीर पर निशाना साधने के लिए। सुन ले अपने जीवन के आखिरी गीत बालवीर, क्योंकि अब जो मैं ये तीर छोड़ूंगी उसके लगते ही तुम्हारी सांसों की सरगम हमेशा हमेशा के लिए थम जाएगी। वैसे तो है करते आप सभी बहुत प्यार बालवीर से, लेकिन है करता बालवीर जिसे सबसे ज्यादा प्यार, वो है बालवीर की मां बालपरी। लेकिन 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 है करती बालपरी बालवीर को बालवीर से भी ज्यादा दुलार। चाहोगे देखना कैसे? हाँ। ऐसे बच्चों, हम जानते हैं कि बालवीर आप सबका प्यारा है, आप सबका दोस्त है, लेकिन हमारे लिए तो बालवीर हमारा सब कुछ है। हो फिर क्यों लगा रही हो इतनी देर? अरे मारिए तीर ताकि हो जाए वो बाल वीर ढेर। सही धुन पर सही आवाज और सही सुर लगने पर ही बनता है सुरीला संगीत। एक भी सुर हिला तो पूरा का पूरा गीत बेसुरा हो जाता है,
और मैं नहीं चाहती कि इस बार ऐसा हो, इसलिए मैं सही समय पर ही वार करूंगी। तगड़दुम तगड़दुम तगड़दुम। बेचारी बालवीर की माँ, उसे तो ये भी नहीं पता कि टूट के गिरने वाला है उसका तारा और हमेशा हमेशा के लिए डूबने वाला है उसका चार। तौबा तौबा, समय की रेत फिसलती जा रही है, इसलिए छलपरी से कहो कि जल्दी से बालवीर पर सही से निशाना साधकर उस पर वार करे। हम सब बालवीर से कितना प्यार करते हैं, उसका कितना सम्मान करते हैं, ये तो हम सबने बता दिया, लेकिन बालवीर का असली सम्मान सिर्फ तभी होगा जब उससे ली गई शक्तियां उसे दोबारा से लौटाई जाएंगी। आज बच्चों को बचाने वाले बालवीर को कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तौबा तौबा, ये छलपरी क्या कर रही है? सिर्फ 10% समय बचा है हमारे पास, जाओ जाकर उसे याद दिलाओ कि अगर समय रहते उसने बालवीर पर वार नहीं किया तो ये अस्त्र बालवीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बॉस, सारे बालवीर के शान में कुछ ना कुछ कर रहे, आप ही कुछ नहीं कर रहे हो बॉस। बॉस, मैं तो कहता हूँ आप जाकर बालवीर जी को थैंक यू कहो, क्योंकि उन्होंने आपको मधुमक्खी, बंदर, भालू और लड़की बनाकर सबके सामने नचाया और सबको आपके ऊपर हंसने का मौका दिया। बस यही सही मौका है बालवीर जी को इंप्रेस करने का और उसको अपना दोस्त बना लेने का। सच्ची? और नहीं तो क्या, बस हम कभी झूठ बोलते? जाओ और कह दो रानी परी से कि मैं मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी बालवीर के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। तो शुभ कार्य में देर कैसी रानी परी, आप आज्ञा दीजिए। एक मिनट रानी परी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत शैतानियां की है और उसकी सजा मुझे बालवीर ने बार बार दी है, लेकिन अब मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ और मैं भी बालवीर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसे कर थैंक यू, नहीं कुछ बोल कर थैंक यू, नहीं थैंक यू बोल, नहीं बोलकर थैंक यू, नहीं कुछ कुछ करके थैंक यू, नहीं आ गया है। हाँ
हेलो, ये तेरा सम्मान समारोह नहीं है, ये हमारे प्यारे बालवीर का सम्मान समारोह है, इसलिए अब जाओ। रानी परी, हमें भी कुछ बालवीर के लिए करना है। बच्चे हमसे कुछ मांगे और हम ना कहें, ऐसा कभी हो सकता है महर? मानो। हाँ। वाह बच्चों, आप सबकी तारीफ में जो भी कहा जाए कम है। बहुत ही सुंदर गीत गाया आप सबने बालवीर के लिए। हाँ महर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सबके प्यार ने हमारी दोस्ती में और भी गहरा रंग भर दिया है, और इस प्यार भरे तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रानी परी, हम भी आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें बालवीर के लिए डांस करने का मौका दिया। अब आप सब बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, ताकि बालवीर को उसकी शक्तियाँ प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। हाँ, चल मजद। अरे नहीं कर सकती, जिसे पराजित ज्वालामुखी की आग, उसे हराने के लिए आपने जलाई है ये मामूली मोमबत्ती, क्यों? ये मोमबत्ती नहीं, बल्कि बालवीर के बुरे समय की शुरुआत है। तौबा तौबा, मैंने यहां से सीधा बालवीर पर निशाना साध दिया है। अब इस मोमबत्ती की अग्नि से कुछ ही पलों में यह रस्सी जल जाएगी, और इस रस्सी के पूरी तरह जलते ही तीर कमान से निकलेगा और सीधा बालवीर पर जाके लगेगा, और उसका शरीर बिखर कर लाखों तितलियों में बदल जाएगा। लेकिन चल परी, ये काम तो हम खुद भी कर सकते, लेकिन ये मोमबत्ती क्यों? छल ही बल है छल परी का गोबा गोबा है? और वैसे भी हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, वरना बिना किसी के देखे हमारा यहाँ से गायब होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब रस्सी जलेगी, तीर छूटेगा, और बालवीर का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और वो 150 साल तक तितलियां बनकर यहां वहां भटकता रहेगा। चल चल ला ला ला, चल चल ला ला। अब तुम दोनों यहां से जाओ। हैं? हैं? हम दोनों नहीं आएंगे आप हमारे साथ? नहीं, क्योंकि अभी एक और काम बाकी है। हैं? ताकि बालवीर के जीवन के गीत के पूरे होने में कोई बाधा ना आए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।